यदि आप कभी जियो फाई का डिवाइस बार बार रिस्टार्ट हो रहा, तीनों रेड लाइटें जल रही, फिर वो ऑफ हो रही, फिर ऑन हो रहा, इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और ये लगभग अक्सर प्रॉब्लम आती है 2-3 साल यूज करने के बाद, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे बिना सर्विस सेंटर गए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि बिना सर्विस सेंटर गए इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। मेरा नाम है हिमेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव कर देना है, सिम निकाल देना है और उसके बाद अपने इस डिवाइस को जो कि जियो फाई का डिवाइस है इसको फास्ट बोर्ड मोड पर ले जाना है और यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो यूएसबी इन कराने के पहले आपको सिम इजेक्ट पिन को यहाँ पर इंसर्ट कराना है रीसेट वाले बटन पर और इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और इतने के बाद जस्ट आपको यूएसबी पर कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पर इस केबल को इन करा देना है। सारी तीन की तीनों लाइटें ब्लिंक करेंगी, ऑन हो जाएंगी और ये ऑफ नहीं होगा। इस समय मीन्स आपका फास्ट बोर्ड मोड पे ये डिवाइस चली गई है और अब हमें कुछ ज़रूरी फाइलों को डाउनलोड करना है इसकी फ्लैशिंग करने के लिए, ओरिजिनल फर्मवेयर इसमें फ्लैश करना है। तो यहाँ पर अब इसकी ओरिजिनल फर्मवेयर फ्लैश करना है, तो यहाँ पर सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको जियोफाई 3 JMR 540 या JMR 541 के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका ड्राइवर इंस्टॉलेशन का एरर है, तो ये सारा आप फिक्स करके प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे इसके फर्मवेयर को। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आ जाना इस वेबसाइट पर और इस सारा क्रेडिट जाता है जो भी इस जियोफाई का, ऑल क्रेडिट गोज टू XTA अभी मोर्टल 6 को जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसमें मॉडिफिकेशन किया है और इसके जो भी लिंक्स वगैरह ज़रूरी फाइल्स हैं उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। वहाँ से इस फाइल्स को मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ एक ही स्थान से। तो इसके लिए आवश्यक फाइल है और फाइल से पहले इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपकी कि आपके फ़ोन की बैटरी रिमूव होनी चाहिए। रिमूव करके सेम जो अभी हमने प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाया वही प्रोसेस करना है, बैटरी रिमूव करके, सिम इजेक्ट करके, रिमूव करके, उसके बाद सिम वाले जो इजेक्ट पिन होती है उसके ज़रिए से आपको रीसेट पिन को प्रेस करके होल्ड करके रखना और इन करा देना है। अब आपको पहली फाइल इसका फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करना है। यहाँ मैं JMR 540 को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करके आपको इसको देखिए डाउनलोडिंग होने लगी, ये लगभग 19-20 MB की फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो जाए। बाकी की जो दो फाइलें और हैं उसको भी हम डाउनलोड यहाँ कर लेते हैं। यदि आपका मॉडल JMR 540 है तो इस फाइल को, अदरवाइज़ JMR 541 है तो उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा मॉडल है JMR 540 JioFi 3 का और यदि आपका 541 है तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। अब इसका फास्ट बूट ADB एंड फास्ट बूट इसको टूल्स को आपको डाउनलोड करना है, फिर इसके ड्राइवर को भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ड्राइवर हमने डाउनलोड कर लिया और इसके बाद ये फर्मवेयर भी हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम तीसरी फाइल, मेन्स आपका है कि यहाँ पर जितनी फाइलें हैं इन सारी फाइलों को आपको डाउनलोड कर लेना है, ड्राइवर का है, फास्ट बूट टूल्स का है और यहाँ फर्मवेयर का है। इसको हम, ये देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर एक, अब हम आ जाते हैं इसके ड्राइवर फाइल को और इसके इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट हमने कर दिया, हमारा छोटी सी फाइल थी ये भी डाउनलोड हो गया। अब इसका, इसको जो हमारा ये टूल्स है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा है मिनिमल ADB फास्ट बूट, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करके इसको ओपन कर लेंगे फोल्डर को, ये देखिए, और यहाँ पर सिंपली इसे इंस्टॉल कर देना है अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इंस्टॉल का कर देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट और ये हमारा फाइनल यहाँ पर फिनिश इंस्टॉल हो गया। ये हमने जैसे ही लॉन्च किया ये हमारा ओपन हो गया, तो हम इसको अभी लास्ट में यूज करेंगे। अब तीसरा हमारा ड्राइवर है उसको भी हम प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्राइवर है, इसको भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करके यहाँ थोड़ा सा आपको 30 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने लिंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी, साथ ही साथ डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड शुरू हो जाएगा आपको। तो सिर्फ 30 सेकंड का वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अब तीनों फाइलें डाउनलोड होने के बाद सिंपली यहाँ पर कुछ कमांड्स दी हुई हैं जिसको भी मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन के नीचे वहाँ पर लिंक पर मैं दे रहा हूँ,
डिस्क्रिप्शन के नीचे इसको भी दे दे रहा हूँ, जो जो यहाँ पर कमांड्स आपको टाइप करना है और इन कमांड्स को आप यहाँ पर फिर रन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये भी ड्राइवर भी डाउनलोड हो गया। अब इस ड्राइवर को हम यहाँ पर देखिए, हमारी तीनों फाइलें हमने डाउनलोड कर ली, एक फर्मवेयर और दूसरा ड्राइवर, तीसरा टूल्स, तीनों हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पर हम यहाँ पर जो फास्ट बूट डिवाइस हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, इसका एक कमांड यहाँ रन कराते हैं। फास्ट बूट डिवाइस है, जितनी भी अटैच डिवाइस होंगी वो दिखाएगा यहाँ पर। तो इंटर करते ही देखिए यहाँ पर अभी ड्राइवर इंस्टॉल ना होने की वजह से हमारा डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम उस ड्राइवर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको भी प्रॉब्लम हो, तीनों जो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो भी यहाँ पर लिंक्स के जरिए से फाइल्स प्रोवाइड किया है, इन सारे फाइल्सों को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। प्रॉपरली इंस्टॉल होगा तभी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं। देखिए फास्ट बूट डिवाइस अभी भी काम नहीं कर रहा, हम इसका ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड में हमारा ADB सेटअप है हमारा, इसको हम रन कराएंगे। ADB सेटअप देखिए, और सिंपली ये भी कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पर हम सारे पे यस 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 कर देंगे, हमारा ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। यस किए, ये देखिए ड्राइवर इंस्टॉलेशन का आ गया, नेक्स्ट करेंगे और ये देखिए इंस्टॉल हो गया, फिनिश। अब इसको क्लोज करके फिर से हम मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट पर आएंगे, फिर से यही कमांड हम टाइप करेंगे। तो एक बार यहाँ पर ADB डिवाइसेस हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अटैच डिवाइस और देवमन स्टार्टिंग रनिंग कुछ ऐसा दिखा रहा। फिर से ADB डिवाइस हम करते हैं एक बार, देखते हैं, या फास्ट बूट डिवाइस अब डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फास्ट बूट डिवाइस जैसे ही हम करते हैं, इंटर किए, और ये देखिए यहाँ पर हमारा डिवाइस डिटेक्ट हो गया, मीन्स हमारा ड्राइवर अब प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब इसी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से हम इसके फर्मवेयर को फ्लैश करके, जो ये बार बार रेड लाइट, तीनों LED रेड लाइट इसमें जल रही हैं और ऑन ऑफ हो रहा, कंटिन्यूस ऑन ऑफ हो रहा और वो प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा, तो इसको हम फिक्स करेंगे इसका ओरिजिनल फर्मवेयर फ्लैश करके। तो इसी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से, मिनिमल ADB कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से हम इसको फ्लैश भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस डिटेक्ट हो गया। अब सेकंड हम यहाँ क्या करेंगे, फास्ट बूट इरेज सिस्टम, इस कमांड को यहाँ पर रन कराएंगे। तो फास्ट बूट इरेज सिस्टम यहाँ पर सिंपली कॉपी हम करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इंटर किए, ये देखिए हमारा इरेजिंग होने लगा और इरेज हो गया, जो भी फर्मवेयर वहाँ पर इंस्टॉल था डिवाइस में वो इरेज हो गया। अब तीसरा कमांड है फ्लैश करने का, तो यहाँ पर हमारा इरेज हो चुका है। तीसरा कमांड हमारा जो है वो फ्लैश करने का है, जो फर्मवेयर की ISO फाइल है उसको हम यहाँ पर फ्लैश करेंगे, IMG फाइल। तो यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो हमारा लोकेशन है, जो फाइल है IMG फाइल का लोकेशन है, उसको यहाँ पर हम डायरेक्ट फाइल को, तो यहाँ पर कमांड हमने पेस्ट किया और इसके बाद हम फाइल को डायरेक्ट वहाँ से, यहाँ से इसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारा लोकेशन ले लेगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए हमने ड्रॉप किया और लास्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा देते हैं, लगा के इंटर हम करेंगे। इंटर करते ही देखिए हमारा यहाँ पर फ्लैशिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, विद इन कुछ ही सेकंड में हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्लैशिंग हो रहा है, राइटिंग प्रोसेस हुआ, ये कम्प्लीट हो गया। तो इस समय हमारा प्रोसेस फ्लैशिंग का कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब सिंपली हम इस समय फास्ट बूट पर हमारा डिवाइस है, इसको हम रिबूट करा लेते हैं फास्ट बूट से। तो फास्ट बूट रिबूट हम करेंगे, यहाँ पर कमांड इसको डालेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करके इंटर करते हैं। और इंटर करते ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारा डिवाइस रिबूट हो रहा और जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाना चाहिए। और ये देखिए हमारा प्रॉपरली डिवाइस बूट कर गया, प्रॉपर वर्क करने लगा है। जो रेड लाइट की प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो गई, बिना सर्विस सेंटर गए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं पुनः आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।